जीके टुडे करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में आज हम बात करेंगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लेसेंट जर्नल द्वारा प्रकाशित वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार कौन सा देश इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए मोजाम्बिक, विकल्प बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, विकल्प सी नाइजीरिया, विकल्प डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी नाइजीरिया। आइए अब हम इसकी व्याख्या पर बात करते हैं। अभी हाल ही में लेसेंट जर्नल द्वारा वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2017 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें टोटल मलेरिया के मामलों की, तो वैश्विक स्तर पर 219 मिलियन मामले दर्ज किए गए तथा इस रिपोर्ट में यदि हम देश की बात करें तो शीर्ष स्थान पर नाइजीरिया रहा, वहीं दूसरे स्थान पर कांगो तथा तीसरे स्थान पर मोजाम्बिक रहा। यदि हम बात करें भारत में कुल मलेरिया के मामलों की, तो 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4% मामले मलेरिया के दर्ज किए गए, जिसमें तमिलनाडु में 71 मामले, चेन्नई में दर्ज किए गए। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने यूरोपीय देशों सहित कितने देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात आरंभ किया है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए 40 से अधिक देश, विकल्प बी 80 से अधिक देश, विकल्प सी 85 से अधिक देश, या फिर विकल्प डी 100 से अधिक देश। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 100 से अधिक देश। आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। भारत ने यूरोपीय देशों सहित लगभग 100 से अधिक देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात आरंभ कर दिया है। अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी के बाद भारत विश्व का ऐसा चौथा देश है जो उस तरह के बुलेट प्रूफ जैकेटों का निर्यात कर रहा है, और ये जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा मानक प्रदान करने में भी सक्षम है। यदि हम बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बेहतर बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इन जैकेट्स का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, सितंबर 2019 को कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए 80वां, विकल्प बी 79वां स्थान, विकल्प सी 97वें, या फिर विकल्प डी 93वां स्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 79वां स्थान। कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा अभी हाल ही में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत ने 162 देशों में 79वां स्थान प्राप्त किया है। यदि हम बात करें कि यह सूचकांक किन आधारों पर निर्धारित किया जाता है, तो इसमें पांच पैमाने निर्धारित किए जाते हैं। पहला, कानून व्यवस्था एवं संपत्ति का अधिकार, दूसरा मुद्रा की सुगमता, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आज़ादी, चौथा श्रम और व्यवसाय का विनियमन, और पांचवा और अंतिम ऋण की सुविधा। इस सूचकांक में हम बात करें तो शीर्ष स्थान पर रहा है हांगकांग, वहीं दूसरे पर न्यूजीलैंड तथा तीसरे पर स्विट्जरलैंड ने स्थान प्राप्त किया है। यदि हम बात करें कि सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा, तो वो रहा वेनेजुएला। हमारा अगला प्रश्न, सितंबर 2019 को कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए शाकिब अल हसन, विकल्प बी शाहिद अफरीदी, विकल्प सी लसित मलिंगा, विकल्प डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी लसित मलिंगा। लसित मलिंगा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, जो एक श्रीलंकाई गेंदबाज हैं।
उन्होंने अपने 76वें T20 में 104 विकेट हासिल किए हैं तथा उन्होंने इससे पूर्व जो शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनके रिकॉर्ड को भंग किया है। शाहिद अफरीदी ने यह रिकॉर्ड अपने 99वें T20 मैच में 98 विकेट लेकर हासिल किया था। हमारा अगला प्रश्न, सितंबर 2019 के मध्य किन तीन देशों की नौसेनाओं के मध्य सिटमैक्स 2019 का आयोजन किया गया? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, विकल्प बी भारत, रूस और जापान, विकल्प सी अमेरिका, सिंगापुर और जापान, विकल्प डी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इसका सही उत्तर है विकल्प डी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच में संपन्न हुआ। इसके दो चरण थे, प्रथम चरण बंदरगाह चरण जो पोर्ट बेलेयर भारत में आयोजित किया गया, दूसरा समुद्री चरण अंडमान सागर में आयोजित किया गया। अब हम बात करेंगे कि इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ। INS गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक पोत रणवीर, जंगी पोत INS कोरबा, INS सुमेध और एक तटीय पेट्रोल यानी गश्ती पोत, लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान P-8I, गाइडेड मिसाइल तोप HTMS कराबूरी इसमें शामिल किए गए। इस अभ्यास के दौरान तीनों देशों की सेनाओं के मध्य समुद्री सक्रियता बढ़ाने के लिए हवाई सुरक्षा एवं संचार अभ्यासों को बल सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न, सितंबर 2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कहां NCG विश्वम कैंसर केयर कनेक्शंस का शुरुआत किया गया? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए टेक्सास, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी मुंबई या फिर विकल्प डी वियना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी वियना। सितंबर 2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर KN व्यास ने वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में NCG विश्वम कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ IAEA के 63वें अधिवेशन से अलग किया गया था। इसके आधार पर टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड कैंसर की स्थापना और प्रबंधन भी किया जाएगा। नेशनल ग्रिड कैंसर ग्रिड का उद्देश्य कैंसर के इलाज में असमानता को दूर करना है। हमारा अगला प्रश्न, सितंबर 2019 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग जो कि फुटबॉल से संबंधित है के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए 107वां स्थान, विकल्प बी 106, विकल्प सी 105 या फिर विकल्प डी 104। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 104वां स्थान। अभी फीफा द्वारा नई रैंकिंग फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारतीय टीम 104वें स्थान पर रही। वहीं शीर्ष स्थान की बात करें तो बेल्जियम इस शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं फ्रांस ने ब्राजील को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और इस रैंकिंग के साथ ही भारत 2022 के विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग भी कर चुका है। हमारा अगला प्रश्न, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध आरोपित किया है? हमारे विकल्प हैं ईरान, इराक, भारत या फिर पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ईरान। हाल ही में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने कुछ कड़े कदम उठाए जिसके तहत उसने ईरान के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे अमेरिका की मंशा है कि जो अभी सऊदी अरब के तेल ठिकानों यानी अरामोका कंपनी के तेल के ठिकानों पर जो ड्रोन हमले किए थे उसमें ईरान का हाथ है, इसीलिए अमेरिका ने ईरान के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध आरोपित किए हैं। हमारा अगला प्रश्न,
92 ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की ओर से कौन सी फिल्म आधिकारिक रूप से प्रविष्टि हुई है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए गली बॉय, विकल्प बी राजी, विकल्प सी उरी, या फिर विकल्प डी ड्रीम गर्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए गली बॉय। आइए अब हम इसकी व्याख्या पर बात करते हैं। बॉलीवुड फिल्म गली बॉय को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए चुना गया है, जिसके निर्देशक जोया अख्तर हैं, और यदि हम जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में थे। बात करें कि 52वें ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फरवरी 2020 में लॉस एंजल में इनका आयोजन किया जाएगा। हमारा अंतिम और अगला प्रश्न, शोंडोल नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, जिसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी मणिपुर, या फिर विकल्प डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लद्दाख। आइए हम इसकी व्याख्या पर बात करते हैं। लद्दाख के शोंडोल नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसे लद्दाख के सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 408 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में इसे प्रस्तुत किया। इस नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से बौद्ध उत्सव नारोपा के अंतिम दिन किया जाता है, जो हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। हेमिस मठ की बात करें तो लद्दाख का प्रसिद्ध वही के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध मठ है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। और यदि हम शोंडाल नृत्य की बात करें, यह एक राजसी नृत्य है, जिसे वहाँ के कलाकारों द्वारा लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और इस नृत्य का आयोजन लीव टू लव इंडिया, द्रुप्पा चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग द्रुप्पा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है।